सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के तृतीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्यायसंगत व्यवस्था सबको प्रिय है, विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय सबको समय से मिले, बार व बेंच का बेहतर समन्वय हो। आम जनमानस एक विश्वास लेकर आपके पास आता है। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। अधिवक्ताओं पर लोग विश्वास करते हैं। विश्वास पर खरे उतरना हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बार और बेंच का बेहतर समन्वय, एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के, बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है, वो भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है। और यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो। इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदलते परिवेश में जो व्यक्ति व्यवस्था व समाज को बदलती है वह सकारात्मक होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा सर्वोच्च समर्पण होना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना धर्म का आचरण करना। हम सबको सम व विषय परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राष्ट्र को साक्षी मानकर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर कार्य करना ही हमारा धर्म है। राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। हमारा सब कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। लोगों की आवश्यकताएं, लोगों के अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को भी, व्यवस्था को भी और समाज को भी बदलती है। लेकिन बदलाव की राह क्या होनी चाहिए, वो सकारात्मक है या नकारात्मक, ये हम सब पे तय करता है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी, और ना अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए, गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए, और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए।
जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपने दीक्षांत उपदेश जब यहां पे विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे, ये भारत के उपनिषद के तैतरीय उपनिषद के मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने इस तृतीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चरः। सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना है। धर्म का आचरण धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है, जो देश काल और परिस्थितियों से प्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन यहाँ के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरक है। अच्छे विधि विशेषज्ञ स्नातक परास्नातक व शोध की डिग्री लेने के बाद जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण के वर्तमान अभियानों का हिस्सा बन सके, यह उन्हें अवसर मिला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के होनहार विद्यार्थी देश की न्याय व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस अवसर पर विधि के विद्यार्थियों को उपाधि बांटी गई। दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विश्वविद्यालय के कुलपति अमरपाल सिंह, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मिस्टर वनज विद्यान फॉर सेशन